हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एज ऑल यू नो, वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके 3 वीडियोस में यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। आप में से कितने बच्चों ने उन 3 वीडियोस को देख लिया? इफ यस, देन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उन तीनों वीडियोस को अच्छे से देखो, नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करो। आज मैं फिजिक्स का इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज ग्राफ। तो स्टार्ट करें, नोटबुक ओपन कर लो, पेन ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्राफ, तो एक ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस, पता है सबको। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस, क्लियर। एंड दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के? 0, 0, 0, 0। यहां पे कौन सी क्वांटिटी आती है बेटा? इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। वाई किस पे डिपेंड करता है? आपके एक्स पे। तो यहां पे क्या जाएगा आपके पास? डिपेंडेंट, क्लियर। नाउ अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताने जा रहा हूं, समझना इसको अच्छे से। स्लोप, स्लोप मीन्स पहला फॉर्मूला इसका, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन x एक्सिस। सेकेंड फॉर्मूला इसका, dy अपॉन dx। ये वाला फॉर्मूला कब? जब आपको डिफरेंशिएशन यूज करना हो। इज इक्वल टू tan थीटा, जो भी आपका एंगल होगा उसका टेंजेंट। और इस स्लोप का आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? स्मॉल m से। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m। सपोज आई एम गोइंग टू मेक ए लाइन ओवर हियर, ठीक है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 5, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 10, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 15, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 20, इसके हैं 20, इसके हैं 40, इसके हैं 60 एंड इसके हैं 80। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मुझे पॉइंट ए टू बी तक स्लोप निकालना है, तब क्या लिखोगे बेटा? स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस। तो देखो, बी पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या है? 16। माइनस ए पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या है? 20। डिवाइडेड बाय पॉइंट बी पर एक्स कितना है? 15। माइनस पॉइंट ए पर एक्स कितना है? 5। तो ये आ गया 40 अपॉन 10 व्हिच इज इक्वल टू 4। आया समझ में? अच्छा चलो ठीक है, एक पॉइंट और ले लो, सी पॉइंट। स्लोप निकालना है आपको बी से सी तक, तो सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना है बेटा? 80। माइनस बी के करस्पॉन्डिंग 60 अपॉन सी के करस्पॉन्डिंग 20 माइनस बी के करस्पॉन्डिंग 15, दैट इज द 20 अपॉन 5, अगेन इट इज 4। अब आप A to C निकालिए स्लोप, A to C, जल्दी बताओ बेटा, सॉल्व कीजिए पहले आप। C पॉइंट की करस्पॉन्डिंग 80 माइनस A पॉइंट की करस्पॉन्डिंग 20 अपॉन C के करस्पॉन्डिंग 20 माइनस 5, दैट इज 60 अपॉन 15, अगेन इट इज 4। आपको आया बेसिक समझ में स्लोप कैसे निकालते हैं? क्लियर, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, और आप खुद आंसर दोगे मुझे। सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से कौन से क्वांटिटी मिलने वाली है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से कौन सी क्वांटिटी मिलने वाली है? पता क्या कहोगे? सर स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है वो आपके पास में डिस्टेंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, दैट इज टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपका? स्पीड। मतलब मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगी? स्पीड, क्लियर। चलिए यहां बताओ, कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, अब आई डोंट नो जा रहा है नहीं जा रहा, आपको बताना है इसकी स्पीड क्या होगी। मतलब क्या कहोगे? सर स्पीड इज इक्वल टू स्लोप निकालो, स्पीड का मतलब है स्लोप निकालो, और स्लोप का मतलब चेंज इन वाई एक्सिस।
बी कितने पर है 20 माइनस ए बी कितने पर है 20, बी कितने पर है 20 माइनस 10, 0 अपॉन 10 कितना आ गया बेटा 0। स्पीड 0 है इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, रेस्ट। मतलब जब भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो और ऐसे लाइन गिवन हो, समझ जाना ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, रेस्ट। ये भी सिखाया था मैंने आपको, वीडियो को स्टॉप करो, जल्दी से ए से बी और ए से सी तक के स्लोप निकालो और चेक करो इक्वल आ रहा नहीं आ रहा। ए टू बी, तो ए टू बी, ए टू बी 10 माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 10, 5 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके, नाउ ए टू सी 15 माइनस 5 अपॉन 30 माइनस 10 दैट इज 10 अपॉन 20 अगेन 1 अपॉन 2। देखो बेटा यहां भी स्पीड 1 अपॉन 2 आ रही है, यहां भी स्पीड 1 अपॉन 2 आ रही है, मतलब स्पीड सेम आ रही है। दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब भी आपको ऐसी लाइन दिख जाए यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां देखो, दो पॉइंट लिए मैंने इस ग्राफ के ऊपर, जहां आपका मन हो वहां ले लो। यहां पे टेंजेंट बनाओ ऐसे, पता नहीं टेंजेंट कैसे बनाता है, एक लाइन जो से टच होके पास हो रही है, एक लाइन यहां बनाओ। ये एंगल सपोज ये है थीटा वन और ये वाला एंगल है थीटा टू, तो आप देख के आंसर दो कौन सा एंगल ज्यादा है, थीटा टू ज्यादा है या थीटा वन ज्यादा है। तो आप सब कहोगे कि सर थीटा टू ज्यादा है थीटा वन से, दोनों तरफ टेन से मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा टू ज्यादा है टेन थीटा वन से। और बेटा जी टेन थीटा क्या होता है, स्लोप, कि सर स्लोप टू की ज्यादा है स्लोप वन से, और स्लोप का मतलब क्या है स्पीड, स्पीड ज्यादा है टू पर कंपेयर टू द वन, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। दैट इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अंडरस्टूड। अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सेम ग्राफ, बस डिस्टेंस की जगह क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देने वाला है जल्दी बताओ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। Here you will write the displacement, displacement upon time. It will give the velocity. Clear? अब हम discuss करते हैं velocity time graph. जब तक आप screenshot ले लीजिए. Now बेटा अब हम बात करते हैं velocity time graph की. Are you ready for that? बताओ slope. Which quantity will obtain from the slope of velocity time graph? पता है सब बच्चे क्या कहोगे मुझे? Sir, slope is equal to velocity upon time. और velocity upon time क्या देता है बेटा? Acceleration. तो अच्छे बच्चों की तरह इस first graph के लिए slope निकालिए. बताओ acceleration कितना आ रहा है इसके लिए? तो आप कहोगे small a is equal to b point के corresponding कितना है 10. माइनस ए के करस्पॉन्डिंग 10 अपॉन बी के करस्पॉन्डिंग टाइम 40 माइनस ए के करस्पॉन्डिंग टाइम 20 0 अपॉन 20 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये जीरो एस्केलरेशन का ग्राफ है, और एस्केलरेशन जीरो कब होता है मैंने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर? अब जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह ए टू बी और ए टू सी स्लोप निकालिए फटाफट। सबसे पहले ए टू बी, तो 60 माइनस 20 अपॉन 30 माइनस 10 40 अपॉन 20 इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ ए टू सी 80 माइनस 20 अपॉन 40 माइनस 10 60 अपॉन 30 अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस्केलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और इक्वल आ रही है, इसका मतलब बेटा दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव एस्केलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एस्केलरेशन। अब अच्छे बच्चों की तरह यहां से निकालो ए टू बी, ठीक है ए टू बी, जल्दी बताओ बेटा ए टू बी के लिए फटाफट। चेंज इन वाई एक्सिस, बी के करस्पॉन्डिंग कितना है 10, क्योंकि बेटा फाइनल ये है, माइनस ए के करस्पॉन्डिंग 30, वेरी गुड, बी के करस्पॉन्डिंग 60 माइनस 20, तो ये आ रहा है बेटा माइनस 20 अपॉन 40 दैट इज माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2। अब एक पॉइंट और देखो, सी फ्रॉम ए टू सी निकालो, फ्रॉम ए टू सी, तो सी के करस्पॉन्डिंग कितना है
20 माइनस 30 अपॉन 40 माइनस 20 माइनस 10 अपॉन 20 दैट इज माइनस 1 अपॉन 2। वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है बट इन नेगेटिव। तो ग्राफ किसका है बेटा? ये जल्दी बोलो, दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म नेगेटिव एस्केलरेशन। अंडरस्टूड? ये ग्राफ की नॉलेज आप सब बच्चों को होनी चाहिए। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, नाउ देयर आर टू ग्राफ ऑन द बोर्ड, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। तो दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटीज तो ये है कि सर दोनों ग्राफ है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एस्केलरेशन के लिए। ये देखो लाइन ऐसी बनी हुई है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां ये है बेटा कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर मुझे यहां से यहां तक की स्लोप निकालनी है तो क्या करूंगा मैं? इसको v मान लो, इसको t मान लो। जल्दी बोलो बेटा, स्लोप विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना है? v माइनस। इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग 0। इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग टाइम t माइनस 0 कितना आ गया? v अपॉन t। ओके, इस पॉइंट को मान लेते हैं u, इस पॉइंट को मान लेते हैं v, ये 0 हो गया और ये t। बताओ जल्दी से एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग v माइनस इसके करस्पॉन्डिंग u डिवाइडेड बाय इसके करस्पॉन्डिंग टाइम t माइनस एंड दैट इज 0। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया? v माइनस u अपॉन t। ये फॉर्मूला देखा हुआ है आप सब बच्चों का, प्रीवियस वीडियो का लास्ट टॉपिक यही था। आपको समझ में आया? इस ग्राफ का सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखना, समझना हर एक कॉन्सेप्ट को। ये ग्राफ का पहला पार्ट हो चुका है, ग्राफ का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर? थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।